सत श्री अकाल साहित्यक सत चैनल से आप जी का स्वागत। मैं हाँ हरमीत कौर। अज की क्लास में असी प्रीतम सिंह सफीर द्वारा रचित कविता कत्तक कुंजा की प्रसंग सहित व्याख्या लैके हाजिर हुए हाँ। पर इस तो पहला कि व्याख्या शुरू की जाए, चैनल के नवे जुड़े विद्यार्थी चैनल नू सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल का बटन भी दबा सकते हो ता जो आने वाली वीडियोज़ तुहाडे तक समय सिर पुजदियां रहन। चैनल की प्लेलिस्ट के विच जाके अपनी क्लास मुताबक, अपने विषय मुताबक, अपनी रुचि मुताबक वीडियोज़ जिहड़े ने उन्हां नू वेख सकते हो ते नाल ही इस चैनल नू अपने होर विद्यार्थी साथियों के नाल भी सांझा करते रहना ता जो वध तो वध विद्यार्थी इस चैनल के नाल जुड़ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकन। और कोशिश करया करो कि जो भी वीडियो शुरू की है उसनू शुरू तो लैके अंत तक वेख के उस वीडियो दे बारे अपने विचार कमेंट रूप दे विच जरूर दिया करो। इसका सानू जो है इंतजार रहिंदा है। सो आओ जोड़दे हाँ अज की क्लास के नाल कत्तक कुंजा कविता। इस कविता दे विच कवि ने कत्तक कुंजा जो कि तुसी आम आकाश दे विच उड़दे हुए पंछी तरतीबबद्ध रूप दे विच वेखे होणगे, जिहड़े बड़े ही एक लयात्मक, एक सुर दे विच, एक लय दे विच, एक बड़ी मधुर जही संगीत दी आवाज़ छड़दे हुए लंघ जांदे हन, जो तुसी आम ही वेखे होणगे। यही कूंजा हन। इन्हां नूं कत्तक कूंजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रवासी पंछी हन। पहाड़ी इलाकियां दे विच गर्मी दी रुत्त बिताउण तों बाद इह सर्दी दी रुत्त जदों कत्तक दे महीने तों शुरू हुंदी है ते कत्ते दे महीने दे विच पहाड़ां तों मैदानी इलाकियां नूं उड़ारी मार आउंदे हन। और सर्दी दी रुत्त मैदानी इलाकियां दे विच बिता के फिर वापस गर्मी दे विच पहाड़ां वल नूं रुखसत कर जांदे हन। सो इन्हां कत्तक कूंजां नूं आधार बना के प्रीतम सिंह सफीर ने कूंज नूं मनुख दे रूप दे विच, प्रतीकात्मक रूप दे विच वरत्या होया, जो सृष्टि दे आदि तों लै के हुण तक ते आउण वाले भविख दे बारे जो उसदे विचार हन उन्हां नूं प्रगटाया है। कवि कत्तक कूंजा दे हवाले दे नाल कहिंदा है क्योंकि कूंज एक अजिहा पंछी है जिस दे बारे कहा जांदा है कि ये अपने साथी दे विछड़न तो बाद, उसके मर जाने तो बाद कई कई दिन निरंतर कुरलाउंदी रहिंदी है। ठीक ये कुरलाहट उस तरह की होंदी है जिस तरह मनुख दे हिरदे दे विच दर्द हुंदा है अपने किसी प्रियतम प्यारे दे विछड़ जाने जाण दा। ठीक इस तरह का दर्द उस कूंज दे हिरदे दे विच भी हुंदा है। और इस आधार पर कहा जाता है कि तुलसीदास ने जदों एक कूंज नूं कुरलाउंदिया होया सुनिया सी ते उहनां दे संवेदनशील मन दे उत्ते अजिहा असर होया कि उस तो बाद उन्होंने रामायण लिखी थी। इसलिए इस कूंज नूं कत्तक कूंज नूं आधार बना के प्रीतम सिंह सफीर लिखते हैं कि लखां कत्तक आए लंघ गए लखां कूंजा मोइया। क्योंकि कवि ने इस कविता दे विच जो बीत चुकिया समा है, जो वर्तमान समा है ते जो आने वाला समा है, इन्हां तिन्ना अवस्थावां नूं आधार बना के अपनी कविता की सिरजना की है। भाव लखां कत्तक आए लंघ गए लखां कूंजा मोइया। पहले हिस्से दे विच कवि कह रहा है कि कत्तक दा महीना असल दे विच ये गतिशीलता दा, परिवर्तनशीलता दा सूचक है। और ये महीना जड़ा है कोई नवा नहीं है। पता नहीं जदों दी ये दुनिया बनी होवेगी, दुनिया दा आदि बिंदु केड़ा है, की है, इस दे बारे कोई भी निश्चित नहीं है। भाव अनेकां लखां करोड़ां इस धरती दे उत्ते कत्तक भाव परिवर्तन या गतिशीलता दे सूचक ये महीने आए होणगे, लंघ गए लखां कूंजा मोइया। ते लखां ही कत्तक दे महीने दे विच आउण वालियां कूंजा ही नहीं सगों मनुख रूपी कूंज भाव प्रतीकात्मक रूप दे लई विच कवि ने कूंज नूं मनुख दे लई वरत्या है। सो इस धरती दे उत्ते पता नहीं है कदों दी दुनिया बनी है, कदों दी इस सृष्टि दे उत्ते मनुख दी उत्पत्ति हुई है। पुराने खत्म हुंदे जा रहे हन, नवें पैदा हुंदे जा रहे हन। लखां धर्म ते लखां कौमां तीवियों पैदा होईयां, लखां ही धर्म इस सृष्टि ते होए हन, लखां कौमां होईयां होणगियां, तीवियों पैदा होईयां। भाव सारी सृष्टि दी सिरजनहार जिहड़ी है वह तीवी भाव औरत है। जद तक इस ब्रह्मांड दे विच नर ते मादा रूप दे विच
इन्हां दी होंद कायम है तद तक सृष्टि का विकास जो है वह निरंतर चलता रहेगा। लखां रातां पै धरती के अंतकाल विच रुलियां, लखां ही रातां भाव परिवर्तन निरंतर आउंदे जा रहे हैं। इत्थे रात जिहड़ी है अग्ञानता रूपी हनेरे दे रूप दे विच भी असीं लै सकते हैं, भाव अग्ञानता तो बाद प्रकाश एक रोशनी की चिणग भी लोगों तो दिलों में पैदा हुई होगी। फिर उस तो बाद सभ्यतावां खत्म हो गई, नवीं सभ्यतावां दा जो है पैदाइश हुई। तो इस तरह कवि कह रहा है कि निरंतर अंतकाल विच रुलियां, भाव सृष्टि का जिहड़ा चक्कर है वह निरंतर चल रहा है। पुराना खत्म हुंदा जा रहा है, नवा पैदा हुंदा जा रहा है और एक लयबद्ध रूप दे विच चल रहा है और किसी नूं पता ही नहीं चलता। लखां आदम बीत चुके ने लिपट लिपट के नाल हवावां। इत्थे आदम ते हवा दो जिहड़े साडे मिथिहासक पात्र हन जिन्हां दे बारे कहा जांदा है कि आदम ते हवा नूं एक विवर्जित फल सी, भाव एक फल सी जिस नूं खाण दे लई वरजिया गया सी। पर मनुख दी फितरत है शुरू तों ही कि जिहड़ी गल तों रोकिया जावे उही गल नूं करन दी उसदे मन दे विच उत्सुकता पैदा हुंदी है। सो जिस फल तों वरजिया गया सी उसे फल नूं खाण तों बाद जो है उन्हां नूं श्राप दे रूप दे विच धरती ते भेज दिता गया। ये मिथिहासक जो कथा है। तो इस तरह धरती या सृष्टि दे विच मनुख दी होंद जिहड़ी है वह कायम हुई दसी जाती है। सो कवि कह रहा है कि ये आदम ते हवा कोई एक नहीं अनेकां होए होणगे। लखां आदम बीत चुके ने लिपट लिपट के नाल हवावां, मौतां जिन्ना भुलियां। फिर कवि कह रहा है कि क्योंकि मनुख जिहड़ा है इस सृष्टि के उत्ते विचरदा होया, खुशहालियां नूं माणदा होया, अपने आउण वाले समें नूं, भविख नूं, मौत नूं भुल जांदा है। हर मनुख अपने आप नूं अमर समझदा है। वह सोचदा है कि मौत तां शायद दूजिआं लई है, भाव वह इस मौत दी आगोश विच कदे वी नहीं समाएगा। कदी कोई मनुख कल्पना ही नहीं करदा अजिही। पर कवि कह रहा है कि लखां झीलां भरियां सुकियां, लखां पर्वत पाटे। लखां इस धरती के उत्ते झीलां बनियां ते सुक गईयां, फिर लखां पर्वत जिहड़े हन वह पाट गए। पर्वत का पाटना भाव पता नहीं किन्नियां कु क्यामतां आईयां होणगियां, किहो जिहे ज्वालामुखी फटे होणगे, किस तरह पर्वतां दे थां ते झीलां बन गईयां, झीलां दे थां ते पर्वत बन गए। भाव ये सृष्टि का चक्कर जिहड़ा है निरंतर चल रहा है। लखां पीर पैगंबर मर गए, दुनिया रही अधवाटे। फिर कवि कह रहा है कि लखां ही पीर पैगंबर इस धरती के उत्ते पैदा होए अते मर गए, पर दुनिया जड़ी है ये निरंतर अधवाटे ही है। दुनिया कदी भी पूरी नहीं हो सकी, निरंतर अधवाटे विच है। कवि कह रहा है कि लखां पीर पैगंबर मोए पर दुनिया रही अधवाटे। लखां पीर पैगंबर मर गए, दुनिया रही अधवाटे। फिर कवि कह रहा है कि इस धरती के उत्ते परिवर्तन जो है वो बड़ा पुराना है, क्योंकि परिवर्तन कुदरत का नियम है। जिस तरह झीलां नवियां बनियां सुकियां, लखां पर्वत जिहड़े सन वो बने फट गए, फिर पर्वतां की सिरजना हुई, ठीक इस तरह लखां पीर पैगंबर भी इस धरती के उत्ते पैदा होए तो खत्म होए। भाव मनुख या इस धरती के उत्ते जो पदार्थ ने उन्हां दी जिहड़ी है होंद खत्म हो जाती है, पर दुनिया निरंतर चल रही है। दुनिया अधवाटे विच है, दुनिया कदी संपूर्ण नहीं हुंदी। मनुख दा खुद दा जीवन जिहड़ा है, जीवन यात्रा खत्म हो जाती है, पर सृष्टि दी जिहड़ी है ये निरंतर अधवाटे विच है, ये कदी संपूर्ण नहीं हो सकती। मैं नहीं मानदा कि ये तारे ये नौ खंड पुराने। कवि कह रहा है कि ये जो आकाश के तारे हैं, चंद है, सूरज है, ये भी मैं कोई बहुत पुराने नहीं मानता कि खंडा ब्रह्मंडा तो इन्हां दी सिरजना हुई होवे। लखां रब बर्बाद हो गए, कौन उन्हां नूं जाने। पावे तारे भी जिहड़े ने निरंतर नवें बनते रहिंदे हन, पुराने टुटते रहिंदे हन ते नवें बनते रहिंदे हन। लखां रब बर्बाद हो गए, कौन उन्हां नूं जाने। इस धरती के उत्ते लखां गुरु पीर फकीर पैदा होए हन, होए होणगे। कुछ हन जिन्हां नूं कुछ समय का इतिहास है जिस तों असीं वाकफ हाँ, पर उस तों पहलां इस धरती ते कौन सी किदे हाथ दे विच डोर सी उसके बारे असी कुछ भी नहीं जानते। और रहस्य है, उसनों जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती जिहड़ी है पता नहीं कदों दी बनी है, कदों दी ये शुरू हुई है, ते कदों
तक इसने चलना है। ये मनुख की सोझी तो समझ तो बाहर दी गल घा के पत्थर जिन्हें विष्णु शिवजी ब्रह्मा होए। कवि कह रहे कि शिवजी विष्णु ते ब्रह्मा जिहड़ियां तीन शक्तियां हन, जो मनुख की उत्पत्ति की शक्ति है, जो उसकी सिरज पालन की अते उसके संघार करन की शक्ति। ब्रह्मा जड़े हन ये उत्पत्ति दे देवता हन, देवता हन। विष्णु जड़े हन ये पोषक हन, ते शिवजी जड़े हन ये संघारक दे रूप दे विच इन्हां दी पूजा की जाती है। कवि कह रहे कि ये भी कोई एक नहीं होए, घा दे पत्थरां जिन्ने, घा दे पत्थर कोई गिण नहीं सकता। इस तरह इन्हां देवी देवतियां दी भी गिणती जड़ी है वो हिसाब तो बाहर है। केड़ी कोई पार्वती है किस किस नूं रोए, जे कोई शिवजी दी किसी शिवजी की प्राप्ति दे लई आराधना दे लई कोई पार्वती भी एक नहीं होएगी, क्योंकि जे शिवजी अनेकां होए हन ते पार्वतियां भी अनेकां होईयां होणगियां। इन्हां खारे सागरां थले लखां रावण राजे, इत्थों तक कि ये जो खारे सागर हन, समुद्र हन, धरती का जो 75% हिस्सा जिहड़ा पानी है, इन्हां थले भी पता नहीं किन्ने को लखां रावण ते राजे इस धरती के उत्ते, जिहड़े रावण जिहे राजे राज करदे रहे, जिन जो बड़े ही जो हन भाव शक्तियां दे मालक सन, पर अंत अवतारां दियां माण व्याईयां अपनी अपनी पृथ्वी डूबी, अंगहीन हो, रूहहीन हो, बेखुद हो विराजे। रावण दा अंत क्यों होया सी, असीं तां इक रावण नूं जाणदे हां। कवि कह रहे कि पता नहीं इस धरती ते किन्ने कु रावण जिहे राजे होए होणगे करनी वाले, जिन्हां ने अवतारां दियां माण व्याईयां, कि रामचंद्र एक अवतार सन, उन्होंने माण के नाल व्याही हुई सीता नूं उधाल के लै गया सी रावण। इस तरह माण नाल व्याही हुई सीता नूं रावण जदों चुक के लै गया, तो यह कोई एक रावण नहीं सी, पता नहीं अजिहियां घटनावां किन्नी कु वार जिन्हां दी पुनरावृत्ति होई होएगी अपनी, और इसे गलती सदका ही रावण ने अपने हंकार सदका, उसनूं अपने बाहूबल ते भी हंकार सी, और इस एक गलत कदम सदका जो सी उसने अपनी सोने की लंका जिहड़ी सी वो गर्क करवा ली, डोब ली। अंगहीन हो, रूहहीन हो, बेखुद हो विराजे, क्यों? क्योंकि वो एक राजा होने का जोड़ा फर्ज सी उसनों नहीं सी निभा सकिया, और सब तो वड्डी गल एक मजलूम की एक औरत की रक्षा नहीं उसने की, एक त्रिगोजोरी की है उसके नाल। क्यों किया अजिहा? क्योंकि उसनों अपनी दौलत का हंकार हो गया सी, और रूहहीन इंसान सी, उसके मन के कोई संवेदना नहीं सी। बेखुद हो विराजे, बेखुद एक है खुद आप, तो बेखुद जिसनों अपने आपे का ज्ञान ना हो, भाव जो एक जागृत अवस्था के कम ना करे, बेहोशी के आलम के कोई अजिहा उसने कर्म किया, भाव रावण ने जदों सीता नू चुराया है तो हो सकता है उस वे वक्त जो है उसकी सोच कुछ होर होवे। कई बार असी कह दें कि असी गल कही तो किसी होर ढंग नाल सी, पर समझी किसी होर ढंग दे नाल है, क्योंकि इस बारे भी जुड़े हन कवि कह रहा है कि अजिहियां घटनावां भी क्यों वापरदियां हन, कि जदों मनुख जो है बेखुद हो के जागृत अवस्था दे विच नहीं, बेहोशी दे आलम दे विच कोई अजिहा कारा कर जांदा है जिस दे बाद दे विच ना तो वह पछता सकता है, तो अपनी क्योंकि वह राजा सी बड़ा प्रतापी राजा सी, इस करके अपनी गलती नूं वह कबूल भी नहीं सकता, पाप उसकी स्थिति फिर अजिही हो जाती है कि सप्प दे मूँह किरली ना वह छड़ सकता है ना उसनों खा सकता है, अजिही स्थिति जिहड़ी है हो जाती है, जो कि रावण की भी हुई सी। देवां ते दैंतां दियां फौजां पाशा जा दियां परियां, फिर कवि कह रहे कि देवां देवतियां ते दैंतां राक्षसां दियां पता नहीं किन्नियां कु फौजां इस धरती के उत्ते, ते पाशा जा दियां परियां। पाशा जा दियां तो भाव है जिवें असीं कहिंदे हां कि जिवें साहिबजादे, भाव गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे सन, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी मालक सन इस सृष्टि के, सो उन्हां दे साहिबजादे सन। पर पातशाह, पातशाह कौन है? कोई महाराजा है, तनाड़ है, उसनों पातशाह दे बराबर जिसकी पदवी है, तो उन्होंने जिहड़ी औलाद है उन्होंने पातशाह जादियां, पातशाह दियां जाइयां हुईयां बड़ियां खूबसूरत जिहड़ियां धीआं सन, छयां खूणियां चौं कुंटां ते काल नदी नूं तरियां, भाव इस धरती दे उत्ते काल दा ग्रास बनन वालियां बहुत खूबसूरत पातशाह जादियां परियां भी सन। दैवां ते दैंतां दियां फौजां जिहड़ियां सन, जिन्हां ने उस सुहप्पन दे लई अपनी कुरबानी दे दित्ती सी, सैयां खूणियां चौं कुंटां च काल नदी नूं तरियां। सैयां खूणियां, खूणी एक ओह हुंदी है, कहा जांदा है कि जदों सैना जिहड़ी है, भावें ओह थल सैना होए, भावें जल सैना होए, भावें वायु सैना होए, भाव
सैना जो इन्नी मात्रा दे विच लंघे कि उसके पैरां दे नाल उड़न वाली धूड़ दे नाल कोल खूह भर जाए धूड़ दे नाल ते उस खूह नूं असीं इक खूनी सैना कहांगे। पर कवि कह रहा है कि जदों दी सृष्टि होंद विच आई है पता नहीं सैकड़े खूनियां सैना जिहड़ी है वह बर्बाद हो गई है, काल दा ग्रास बन गई है, जुगां ने संग्राम मचाए पुट सभ्यता सुटियां। इसे तरह वख वख जुग दे विच बड़े संग्राम बड़े भयानक महान युद्ध होए हैं जिन्हां ने पुरानियां सभ्यतावां दे जिहड़ियां इट्टां उखाड़ के नवीं सभ्यतावां कायम कर लईआं। तीवियां जमणों जिंदा मरणों अजे देखना हटियां। पर कवि कह रहा है क्योंकि भावें मनुख किन्नी भी कोशिश करे दूजे नूं खत्म करन दी पर मनुख दी होंद इस संसार दे उत्ते उन्नी देर तक कायम रहेगी जद तक इस सृष्टि दे उत्ते मादा रूप दे विच औरत दी होंद कायम है। क्योंकि औरत जिहड़ी है सृष्टि दी सिरजक है। औरत जद तक इस एक जननी दे रूप दे विच इस सृष्टि दे उत्ते अपनी भूमिका सिरजना रचदी रहेगी तद तक जो है इस सृष्टि नूं कोई खतरा नहीं है। इस सृष्टि दी होंद जिहड़ी है वह खत्म नहीं हो सकती। तीवियां जमणों जिंदा मरणों अजे देखना हटियां। इस तरह कवि कह रहा है कि बुढ़ आदि काल तो लैके हुण तक तीवी इस संसार दे उत्ते औरत दी जिहड़ी दशा भी उसनूं भी ते दिशा भी दोहां दे बारे कवि ने जिक्र कर दिता है इशारे दे विच कि औरत दी होंद जिहड़ी है वह निरंतर इको जिही ही है। भाव एक पासे उसनूं पूजिया जांदा है ते दूजे पासे उसनूं दुरकारिया जांदा है। जिंदा मरनों अजे तीकना हटियां भाव औरत दे प्रति जो मनुख दा वतीरा है वह अजे तक उस तरह ही कायम है। मुड़ मुड़ कत्तक आउंदे जांदे हुण इत्थों प्रेजेंट दे विच आ जांदा है कवि। पहलां असीं जो बीत चुके समें बारे गल कर रहे हैं कि मुड़ मुड़ कत्तक आउंदे जांदे। कवि कह रहे कि कत्तक दे महीने ते परिवर्तन कोई एक वारी नहीं हुंदा सृष्टि ते हर वार निरंतर हुंदा है। नवीं जमिया हुई कूंजा आसमाना तो लेंदियां हर साल नवीं जमिया हुई कूंजा जड़ियां ने क्योंकि पुराने बच्चे जो वड्डे हो जाते हैं तो वह इस धरती के उत्ते जो पुराने कूंजा सन जिहड़ियां बच्चे पैदा करके आईया सन वह बच्चे वड्डे हो गए ने ते वह फिर अगले साल कुदरती है प्रवासी पंछी के रूप के फिर मैदानों वाल नूं उतरनगे। और इत्थे एक इशारा भी है कि नवीं जमिया हुई कूंजा आसमाना तो लेंदियां ते इस तरह सृष्टि के नवे बच्चे जिहड़े ने फिर हौली हौली उन्हां दे हथ दे विच वागडोर आउंदी जांदी है। समय का बदलाव निरंतर चल रहा है। सोचां भरियां समझां भरियां दर्द विन्नियां भरमां भरे दिलां दे अंदर उजलियां आ के बहिंदियां। नवीं जो पनीरी है नवीं पौध है नवीं जो जनरेशन है उन्हां दी सोच जिहड़ी है वह भी नवेकली है। समझ भी उन्हां दी बड़ी उच्ची सुची है और दूसरियां दे दुख दर्द दे भाव भी उन्हां दे हिरदे दे विच दूसरियां दे दुख दर्द नूं समझण दे भाव भी जिहड़े ने पहलां नालों वध गए ने। जिवें कि असीं आम कह जांदे हां कि अज कल दे बच्चे जो ने वह बहुत ही समझदार ने। ठीक इस तरह पुराने नालों नवां जिहड़ा है वह कुछ पहलां नालों होर भी चंगेरा है। भरमें भरमां भरे दिलां दे अंदर उजलियां आ के बहिंदियां। फिर कवि कह रहा है कि ये नव जमियां कूंजा रूपी बच्चे ने जिहड़े पुराने भरमां वहमां रूपी जो दे नाल भरे हुए दिल सन या मनुख सन या ख्याल सन उन्हां दे पुराने वहमां भरमां नूं नकारन दे लई या उन्हां चों उसनूं बाहर कढ़न दे लई मनुख नूं उन्हां दे लई ज्ञान दा चानण बन के आउंदियां हन। कहिंदियां लखां कैदी मर गए जा जंजीरां टुट्टियां लोहे चादरां विच्चों जावण रोज़ संगीनां कुट्टियां। भाव नवीं जिहड़ी कूंज रूपी पौध है इस दे विचार ये हन कि जो जेलां दुनिया ते बनाईयां गईयां हन वो कादे वास्ते बनाईयां गईयां हन क्योंकि वो सुधार घर हन। पर इस दुनिया दे उत्ते पता नहीं लखां करोड़ां कैदी मर गए हन जे वो सुधार घर हन ते मनुख दे विच अजे तक सुधार क्यों नहीं हो सकिया। क्यों निरंतर असीं जेलां दा ही निर्माण करते जा रहे हाँ। क्यों जंजीरां जिहड़ियां ने वो निरंतर बनाईयां जा रही हन दूसरियां नूं गुलाम रखण दियां दूसरियां दे उत्ते पाबंदियां लाउण दियां जो साडियां साजिशां हन क्यों ये निरंतर असीं रचदे हाँ। लोहे चादरां विच्चों जावण रोज़ संगीनां कुटियां भाव निरंतर असीं होर वध तों वध जो जुर्माने हथियार बनाउण वल रुचित हाँ। क्योंकि जे मनुख विकसित हो चुकिया है उसका विकास हो चुकिया है उसकी बुद्धि का विकास होया है सोच का विकास होया धन दौलत का विकास होया है
तो फिर मनुख दी सोच जड़ी है इस हद तक विकसित क्यों नहीं हुई कि वो आपसी ईरखाबाजी आपसी दुश्मनी जड़ी है छड के एक जो है बड़े ही सुलझे हुए मनुख दे वांग इस संसार दे उत्ते विचरदियां होयां सब दे नाल प्रेम ते भाईचारे दे नाल रहंदियां होयां जो है एक नवे समाज की सिरजना वाल रुचित होवे क्यों निरंतर असी नवे हथियारां दी सिरजना कर रहे हाँ क्यों नवे जड़े हन जो कैदां हन जेलां बनाई जा रहे हन कि असी मनुख की सोच नूं बदल नहीं सकते क्यों असी भाव इन्हां जेलां वाल या जो गोला बारूद है जो हथियार है उन्हां वाल इन्ना जोर दे रहे हाँ क्यों नहीं असी मनुख नूं जो है सिक्ख्या दे के उसनों सोची दे के उसकी सोच नूं इन्ना विकसित करके उसनों समय दे हाण दा बनाउंदे रब की भगती देश की भगती महंगी महंगी गल्लां फिर कवि कह रहा है कि रब की भगती प्रभु भगती ते देश भगती अज दे समय दे विच जो है ये एक तरह के नाल मनुख दे वसों बाहर दीआं गल्लां हन ये महंगी महंगी जिवें महंगी चीज़ जिहड़ी है किसी गरीब की खरीद तो बाहर होंदी है वसों बाहर होंदी है ठीक इस तरह रब की भगती ते देश की भगती जिहड़ी है इसके अर्थ भी हुण कुछ होर हो गए हैं जिहड़े आम मनुख की वसों बाहर हैं ढा ना सकियां महल मुनारे लहू पीणियां बेरहमां दे लख गरीबां दीआं अथरां दे दो दो जुगां तों छल्लां कवि कह रहा है कि जेकर साढ़े अंदर सच्ची देश भगती होवे सच्चे असी रब दे उपासक होइए भगत होइए तो फिर समाज ते इन्नी काणी वंड ही क्यों होवे क्यों एक पासे इन्नी गरीबी रवे ते एक पासे इन्नी अमीरी होवे क्यों निरंतर जो है बेदोषियां नूं मारिया जावे बड़े बेरहम हो के असी दूसरियां दा शोषण करिए किरती किसान वर्ग भाव मजदूर वर्ग जो है उसका निरंतर शोषण वाल असी रुचित क्यों होंदे जा रहे हैं जेकर साढ़े अंदर देश भगती दे भाव हन असी प्रभु दे भगत हन अज देश दुनिया दे विच जिन्ने धार्मिक अदारियां दी गिनती वध रही है कि मनुख जो है उस दे विच सांझ या प्रेम मुहब्बत दे भाव इन्ने वध रहे हन नहीं क्योंकि इन्हां थावां दे उत्ते भी बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह कवि ने लाया है कि असल दे विच इत्थे भी जो है एक तरह दे नाल दीपक थले हनेरे वाली गल है लखां गरीबां दीआं अथरां दे दो दो जुगां तों छल्लां भाव गरीब ते जिहड़े ने उह निरंतर जिहड़े आ उहनां दीआं अखां दे विच्चों छल्लां वांग हड़ वांग हंझू वह रहे हन क्यों क्योंकि उहनां दीआं जरूरतां जिहड़ियां ने उही पूरियां नहीं हो रहीआं ते इक पासे असीं बड़े अपने आप नूं देश भगत ते रब दे भगत समझ के होए बड़े वड्डे धार्मिक अदारियां दी सिरजना वल रुचित हाँ ते दूजे पासे असीं इन्ना अन्याय कर रहे हाँ साडे वांगर आहो जा रहीआं करदी खलकत मरदी कवि कह रहा है कि इस तरह सारी दुनिया जड़ी है खलकत भाव लोकाई जड़ी है इस तरह टाइम एक तरह के नाल अपना वक्त जड़ा है वह बड़ी मजबूरी दे विच लगाउंदी हुई इस संसार तो रुखसत कर जाती है बदल देन नूं जाने ये कोई एक भयंकर कारा फिर तीजी अवस्था दे विच कवि आ गया है कि जिस दुनिया दे विच जिस निजाम दे विच जिस देश दे विच लोग जड़े ने बदल देन नूं एक भयंकर कारा समझदे हन भाव बदल देना किसी व्यवस्था नूं बदलना किसी निजाम नूं बदलना किसी सोच नूं बदलना क्योंकि जेकर असी वड्डी तब्दीली लियानी है तो सब तो पहला सानूं अपनी सोच नूं बदलना पवेगा तो जदों असी सोच नूं बदलन दे लई अपनी सोच नूं बदलन दे लई तैयार नहीं होवांगे सगों एक तरह दे नाल दूसरियां नूं अपनी सोच नूं बदलन दा उपदेश देने हां असी भाव असी साडी कथनी ते करनी विच इन्ना अंतर है असी दूसरियां नूं बदलन दे लई उपदेश देने हाँ पर खुद उस ते अमल नहीं करदे दीपक तले हनेरे वाली गल है असी कहिंदे कुछ होर हाँ करदे कुछ होर हाँ जिस दे बारे बुल्ले शाह ने भी लिखिया है कि बुल्लिया मुल्ला अते मशालची दोहां इक्को चित लोकां करदे चानणा आप हनेरे नित इसे अवस्था दे विच कवि लिख रहा है कि बदल देन नूं जाने ये कोई भयंकर कारा उद्दम नूं जो गड़बड़ जाने उस दुनिया दा कौन करे छुटकारा उद्दम हिम्मत करन नूं जे कोई समझे कि ये तां बड़ी गड़बड़ वाली गल है क्योंकि असीं आम जिंदगी दे विच जीवन दे विच देखने हां कि जिहड़े अगां वधू विचारां दे लोक हन उहनां नूं उहनां दे समकाली सुणन दे लई तैयार ही नहीं उह सोचदे हन कि ये तां ज़्यादा ही तत्ते हन या गर्म सुभाअ दे हन ये हमेशा तब्दीली की गल करते हैं विकास की गल करते हैं उन्होंने विचार ही उन्होंने हमजोलियां ही गड़बड़ नज़र आते हैं तो अजे ही दुनिया का अजे ही लोकाई का अजे देश का जड़ा है फिर गुलामी तो कौन छुटकारा कर सकता है जो असी बदलाव के लिए खुद तैयार नहीं हाँ
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਭਾਵ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਸਮਾਨ ਮਚਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪੀਸ ਪਿਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵੱਸ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਅਣਹੋਏ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੂਪੀ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦੇਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਅਣਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਟੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲੜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਰੁਖਸਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਮਲਕੀਅਤ ਖਾਤਰ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟੀਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ਼ਾ ਭਰੀ ਜੁੱਗ ਗਰਦੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਭਰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਜੁੱਗ ਗਰਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਝੂਲਣ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਣ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਗਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ
ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਪੈ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ, ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਪੈ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਰੋ, ਕਰੋ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ, ਸੜਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੋ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਕੈਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਕੈਦਾਂ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨਾਡਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਰਾਣੀ, ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵੇ। ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਤਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦਿਲ ਉਕਸਾਵਣ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਕਸਾਹਟ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦਰਦ ਜਗਾਵਣ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦਰਦ ਜਗਾਵਣ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਜਾਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਭਾਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਭਾਗਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
पूरा पढ़ांगे तो उस दे नाल वीडियो होर भी लम्मा हो जाता है, इसलिए इन्हां गल्लां नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं हर पहरे दी नाल नाल व्याख्या करी दी है। सो ये वीडियो अज दा लैक्चर जो है तुहानूं पूरी तरह स्पष्ट हो गया है, इस लैक्चर नूं सुणदे रहना ते नाल ही अपने होर विद्यार्थी साथियों दे नाल सांझा भी करना, ते ये लैक्चर जो है अज दा किहो जिहा लग्गिआ इस बारे अपने विचार भी कमेंट बॉक्स के रूप दे विच जरूर सांझे करना। अज दा वीडियो लाइक करदे रहना ते नाल ही इस नूं अपने होर विद्यार्थी साथियों दे नाल शेयर भी करना। मिलांगे अगले लैक्चर दे विच, तद तक लई इजाजत, धन्नवाद।